तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा YouTube से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप YouTube चैनल बैनर बना सकते हैं आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से आप बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप जो ये स्क्रॉल हो रहे हैं सारे मेरे बैक में, इन सभी वीडियोज़ को आप जाकर देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब से रिलेटेड बनाए हैं, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ हैं, तो उनको जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम रामप्रवेश राजभर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल रामप्रवेश है। तो पिक्सल ऐप की मदद से आप आसानी से मेरी तरह क्रिएटिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हैं। इस तरह का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब चैनल बैनर मैंने बनाया हुआ है, कितना एडजस्टेबल और कितना परफेक्ट है। आपको मैं इस वीडियो में 8 स्टेप में पूरा बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, और उसके बाद आप किस तरह से मोबाइल पे अपने इस चैनल बैनर को लगा सकते हैं, उसके साथ साथ आप किस तरह से अपने लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट है पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट है, इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप है कि आपको यहाँ पे इमेज साइज अपनी सेलेक्ट करनी है। तो इमेज साइज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्ट रेशियो 1.1 है, तो यहाँ पर सिंपली यूट्यूब चैनल बैनर करके ओके कर देना है। इस तरह से हमारा चैनल साइज का जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में चलते हैं कि हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लगाना है बढ़िया वाला। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए यहाँ पर जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और आपने जहाँ भी रखा है उस बैनर को सिंपली इस तरह से ले लेना है। लेकर यहाँ से ओके करके इसको परफेक्टली यहाँ पे अरेंज करके इसको क्या करना है, लेयर को लॉक कर देना है। तो सिंपली इस तरह से लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद हम 4th स्टेप पे चलते हैं कि यहाँ पर हम जो YouTube का चैनल बैनर साइज होता है उसको इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उसके कारण हमारा परफेक्टली उसी एरिया में हम एडिटिंग करेंगे, और एडिटिंग करके आसानी से हम अपना जो YouTube चैनल बैनर है इस तरह से करके आपको ये मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसे भी अरेंज कर देना है और यहाँ से इसे भी लॉक कर देना है। इसके बाद लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो इसी में हमें सारा एडिटिंग करना है। जो सबसे डार्क वाला है यहाँ पर देख सकते हैं, डेस्कटॉप मोबाइल एरिया है, इसमें ही करना है। इसके बाद जो ये वाला एरिया है ये टैबलेट का होता है, और ये डेस्कटॉप मैक्स वाले का होता है, और ये टीवी का होता है, ये जो इतना बड़ा है। तो हम ज़्यादातर इसी में एडिटिंग करेंगे तो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगला स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, PNG इमेजेस करके आप रखिएगा। यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना है, आपने जो भी PNG इमेजेस रखी होंगी उन PNG इमेजेस को इस तरह से लेके इसको अपने हिसाब से कम बेसी करके ओके कर देना। इस तरह से PNG आपके यहाँ पे आ जाएगी, इसको इस तरह से छोटा कर लेना है आपके उस बॉक्स के अंदर जितने में मैनेज हो जाए। यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से इसको इस तरह से 2 फिंगर से यूज करके इसको जूमिंग जूम आउट भी कर सकते हैं, और सिंपली जूम आउट जूम इन करने के बाद इसको इस तरह से अरेंज कर देना है कि बेटर तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है एक फ़ोटो। इसके बाद इसी तरह से हम दूसरा भी फ़ोटो ले लेते हैं। PNG इमेजेस करके मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इमेज है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से करके। इस तरह से करने के बाद इसको सिंपली इस तरह से लेना है, और इस इमेज को भी इसी तरह से छोटा कर लेना है। तो इसको भी छोटा कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेटर तरीके से हो गया। इसके बाद इन लेयर्स को भी हम लॉक कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हिलो डुले ना। इसके बाद अगर जितना भी अगर इस पर क्लिक होगा तो ये यहाँ वहाँ कहीं भी हिले डुलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने अपनी इमेजेस PNG यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ऐड कर ली है। इसके बाद हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ से भी डायरेक्ट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी जाके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
तो जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसको कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली मैं इस तरह से ले लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी है बहुत सारी, जो भी सेलेक्ट करना होगा सिंपली इस पर ओके करके यहाँ पर इस तरह से करके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी आ जाएंगे। उस पर डबल टैप करेंगे तो भी आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से मैं अपने टेक्निकल रामप्रोस करके इस तरह यहाँ पर टेक्निकल रामप्रोस डाल दिए हैं और डन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इस तरह से ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आसानी से। तो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, इस तरह से छोटा करके इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से लगाने के बाद सिंपली इस और भी टेक्स्ट ऐड करना है तो इधर से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्टली टेक्स्ट का लेकर ऑप्शन कर सकते हैं। इस पर डबल टैप करके भी आप जा सकते हैं एडिट करके, या फिर वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली हमारे जो भी हम यूट्यूब से संबंधित वीडियो बनाते हैं, CSC और लैपटॉप मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह से करके, तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स को नीचे ले लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ भी ओके कर देते हैं इस तरह से। इसको छोटा कर लेना है अपने हिसाब से, जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से छोटा कर लेते हैं हम, इस तरह से। इसकी आप कलर वगैरह भी चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करके इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका भी सिमली उसी तरह स्टॉक दे देते हैं हम, स्टॉक बेटर लग रहा है, ग्रेडियंस इसी को हम दे देते हैं। इस तरह से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि हम 7 स्टेप की यहाँ पर जो PNG और लोगोस होते हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रॉम गैलरी में चल जाते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद इस तरह से मेरी लोगो यहाँ पर है, तो इन लोगों को भी हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। सिंपली ये देखिए लोगो हमारी आ चुके हैं, इनको भी हम छोटा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, अपने हिसाब से जहाँ भी अरेंज करना है इनको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली इस तरह से मैं रख लेता हूँ। इसके बाद और भी मैं लोगो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपने, इस तरह से करके मेरे रेड कलर का लोगो है, इस लोगो को भी मैं ऐड करूँगा। तो इस तरह से करके यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से करके इसको भी अरेंज कर लेता हूँ और इस लोगो को भी यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। वो यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद इसको हम किस तरह से आगे और भी लोगो ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब का भी लोगो ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मेरे के अंदर यूट्यूब का लोगो है, तो इस यूट्यूब के लोगो को भी हम उसी तरह से ऐड कर लेंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा करके इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। ये देखिए हमने अरेंज कर लिया है। इसके बाद अगर चाहेंगे तो और भी अगर कोई सोशल मीडिया का लगाना है तो सिंपली उसकी PNG भी यहाँ पर मैंने रखी हुई है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। मान लीजिए फेसबुक का है, तो फेसबुक का है तो इसको भी हम इसी तरह अरेंज कर लेते हैं। फेसबुक को भी अरेंज करके यहाँ ये देखिए हो गया है। इसके बाद हम और एक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम का है तो इंस्टाग्राम को भी ऐड कर लेते हैं। सिंपली इस तरह से ऐड करने के बाद इसको भी छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, जितना आप रखना चाहते हैं। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का फिल्म में आया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा सही हो जाए। इसके बाद ओके कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा चैनल बैनर जो है कि यहाँ पर रेडी हो गया है। इसके बाद इसको हम प्रोजेक्टली सेव किस तरह से करेंगे, सेव करने से पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूट्यूब चैनल बैनर का जो लोगो है इसको, मतलब जो इमेज है इसको किस तरह से उड़ाना है। तो यहाँ पर सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, नीचे आना है और सिंपली इसको अनविजिबल कर देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बैनर कितना प्रोफेशनली लग रहा है यहाँ पर।
तो सिंपली उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप हाइड कर देंगे तो भी यहाँ पे शो करना बंद कर देगा। तो सिंपली इसको प्रोजेक्ट लिस्ट सेव करने के लिए यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डाल देना है अपने मेरे अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ टेक्निकल राम प्रवेश और डन कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से बैक करके ओके कर देना है, सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट में। यहाँ पर इमेज में सेव करने के लिए इसी तरह यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। इस तरह से कर देंगे यहाँ पे हमारे गैलरी के अंदर सेव गए। यहाँ पर गैलरी में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि हमने जो चैनल बैनर बनाया था वो इस तरह से कितना प्रोफेशनली और HD क्वालिटी में हमने बनाया है। इस तरह से आप अपना अपने हिसाब से और भी क्रिएटिविटी लगा कर इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको यूट्यूब के जो है कि उस पर लगाएंगे। यूट्यूब पे ओपन करने के बाद इस तरह से थ्री डॉट पे जाना है यहाँ पे ऊपर। इसके बाद आपका यहाँ पे यूट्यूब यूआर चैनल का ऑप्शन होता है। यूआर चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से आपका चैनल बैनर रहता है लगा हुआ। तो इसको चेंज करने के लिए एडिट चैनल पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको चेंज करने का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक अ फोटो पे क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप कैमरे से अपने क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है तो उसकी मदद से इसको बैक कर लेते हैं हम। इसके बाद सिंपली यहाँ पर चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ इस तरह से क्लिक कर लेंगे तो आप अपने गैलरी में जो भी रखे रहेंगे यूट्यूब चैनल बैनर उस पर चले जाएंगे। तो सिंपली इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज को यहाँ पे अरेंज कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने परफेक्टली इसको अरेंज कर लिया है छोटा करके। इसको सेव कर देना है सिंपली इस तरह से। जैसे सेव करेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल बैनर हमारा लग चुका है। यहाँ पे बैनर अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल लग भी चुका है। तो यहाँ पर सिंपली स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें कस्टमाइजेशन में आना जाना है और इसके बाद यहाँ पर ब्रांडिंग में इस तरह से आपको चैनल बैनर लोगो या वाटरमार्क का ऑप्शन रहेगा। तो चैनल बैनर चेंज करने के लिए चेंज पे क्लिक कर लेना है। जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे इस तरह से आप आ जाएंगे अपने गैलरी के अंदर कंप्यूटर के। तो इस तरह से आप जहाँ भी रखे रहेंगे उस इमेज को इस तरह से ले लेना है। जैसे से लेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बेटर तरीके से यहाँ पर हमारा जो है कि चैनल बैनर आसानी से यहाँ पर आ चुका है। और सिंपली इस तरह से कर लेना है और इसके करने के बाद सेव पब्लिक पे कर देना है। पब्लिक पे जैसे ही करेंगे आई होप इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से यूट्यूब चैनल बैनर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं YouTube CSC मोबाइल और लैपटॉप टिप्स एंड ट्रिक्स डेली अपने YouTube चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई मेरे लिए सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप किसी टॉपिक पे टेक से रिलेटेड वीडियो अगर चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।